हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे डीबी कॉर्प के बारे में और जानेंगे कि इसके स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं। फिलहाल ट्रेड कर रहा है 69.60 पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 अप्रैल के दिन लो और हाई काफ़ी मजबूत, 104 हाई और 69 के पास लो। चलते हैं 8 अप्रैल के दिन क्या हुआ था वो देखने। यहाँ पे है 8 अप्रैल और ये आप देख सकते हैं 69.75 लो है और 104 हाई। काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हुआ था उस दिन, वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा और डिलीवरी वॉल्यूम 43 के पास। फिलहाल ट्रेड कर रहा है 69.60 पे और जो रेंज है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे देखिए आप, जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़बरदस्त, 60% के ऊपर ही वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। ये डिलीवरी वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, यानी कि लोग बाई करके होल्ड कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट भी कर रहा है फिलहाल। ये जो रेंज है यहाँ पे आप देखेंगे वन आवर चार्ट, तो इसके नीचे जा नहीं रहा है। यहाँ पे जो ये रेंज बना है वो सस्टेन कर रहा है, 69.30 69.25 के नीचे जा नहीं रहा है, क्योंकि ये जो रेंज है ये एक फ्रेश बॉटम है। इसके पहले कभी ये इस स्टॉक प्राइस पे आया नहीं है। ये वीकली चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2010 से लेके अभी तक ये पहली बार इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जिसने भी बाई किया होगा वो इसी रेंज में बाई किया होगा, ये या तो प्रॉफिट में बेचेगा या ब्रेक इवन पे बेचेगा, लॉस में नहीं बेचेगा अनटिल एंड अनलेस उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की। तो ये जो रेंज है वो काफ़ी बढ़िया है बाई करने के लिए। सुपर ट्रेंड वीकली चार्ट पे नेगेटिव हुआ था 326 के पास, 325 के पास, उसके बाद से पॉजिटिव नहीं हुआ है। अगर आपको एकदम सेफ रहना है तो जब तक ये पॉजिटिव नहीं होता है, 118 के ऊपर नहीं जाता, तब तक बाई मत कीजिए। चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। डेली चार्ट नेगेटिव हुआ था 126 के पास, उसके बाद से ऑलमोस्ट 50% का ड्रॉप देखने को मिल चुका है। 83-84 के ऊपर नहीं जाता तब तक ऐड मत कीजिए अगर सेफ रहना है तो। बट फिलहाल जो रेंज है वो एकदम बॉटम पे है। छोटी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं क्योंकि पिछली बार भी रिवर्स इसी रेंज से हुआ था और अभी भी उसी रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। छोटी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ करिएगा। 68 के नीचे नहीं जाना चाहिए ये स्टॉक, 68-69 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो एक करंट बॉटम है ये फ्रेश बॉटम बना है। इसके नीचे गया तो एक नए बॉटम का वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल का जो रेंज है वहाँ पे छोटी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और आने वाले समय में अगर ये 72 के ऊपर जाता है तो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, जहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। क्योंकि करंट जो ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूस डाउनसाइड ही जा रहा है। अब इसमें जब तक ये नीचे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है तब तक ठीक है। अगर रेजिस्टेंस ब्रीच करता है तो बाई कीजिए, सपोर्ट ब्रीच करता है तो एग्जिट ले लीजिए, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए यहाँ पे। और इस रेंज के साथ, इस स्ट्रेटजी के साथ डीबी कॉप में ट्रेड कीजिए। थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखें क्योंकि तो अभी रिवर्सल कब आएगा वो पता नहीं है, बट एक बार आएगा तो अच्छा खासा रिवर्सल आएगा। क्योंकि तो बढ़िया डिविडेंड पेइंग कंपनी है, 3 रुपया 50 पैसा, 6.5 रुपये, 8 रुपया, 2 रुपया, तो डिविडेंड पेइंग कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर रखें, उसके बिना ट्रेड ना करें डीबी कॉप में। सेफ रहना है तो जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं होता तब तक बाई ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।